नमस्कार दोस्तों, पहले तो मैं आपको दिल से सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि बहुत महीने से वीडियो नहीं आ पा रहा था। कुछ बिजी शेड्यूल के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, सो इसलिए आपको दिल से सॉरी बोलता हूँ। बट अभी से आपको इसी चैनल पे रेगुलरली आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे, तो आपको क्या करना है, इसी तरह मुझे सपोर्ट बनाए रखना है। तो ये सब बातों को अभी हम साइड पे रखते हैं, अब मुद्दे की बात करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं दो प्रोसेसर को, नहीं तीन प्रोसेसर को, जो कि Ryzen 3 3250U प्रोसेसर, उसके साथ Intel i3 11th जनरेशन जिसका वेरियंट है 111 5G4, उसके साथ Intel i3 10th जनरेशन जिसका वेरियंट है 100 5G1। ये जो प्रोसेसर है आपको 40,000 के अंदर लैपटॉप में देखने को मिल जाएंगे। जो Ryzen 3 3250U प्रोसेसर है वो आपको Dell Vostro and Acer Aspire 3 पे देखने को मिल जाएगा। जो Intel i3 11th जनरेशन प्रोसेसर है वो आपको Asus View 15 and Lenovo IdeaPad 3 पे देखने को मिल जाएगा। जो Intel i3 10th जनरेशन है वो आपको Infinix पे देखने को मिल जाएगा, उसके साथ आपको Asus View 15 पे देखने को मिल जाएगा। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में इन तीनों प्रोसेसर को अच्छी तरह से कंपेयर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आपको 40,000 के अंदर कौन सा प्रोसेसर के साथ जाना सही रहेगा। तो चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे जोर से दबा दीजिए। ओके चलते हैं विद वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय दिस इज दिव्य ज्योति, यू आर वाचिंग माय चैनल डीटेकी, लेट्स स्टार्ट। पहले स्टार्ट करते हैं रिलीज डेट से। Ryzen 3 3250U प्रोसेसर रिलीज हुआ था 6 जनवरी 2020 को। अगर हम बात करें Intel i3 11th जनरेशन प्रोसेसर के बारे में, ये रिलीज हुआ था 2 सितंबर 2020 को। अगर हम बात करें Intel i3 10th जनरेशन के बारे में, ये रिलीज हुआ था 1 अगस्त 2019 को। तो यहाँ पर रिलीज डेट के बारे में बात करें तो Intel i3 10th जनरेशन एक पुराना प्रोसेसर है। अगर हम बात करें Ryzen 3 3250U प्रोसेसर एंड Intel i3 11th जनरेशन एक नया प्रोसेसर है। सो रिलीज डेट के मामले में Intel i3 11th जनरेशन एंड Ryzen 3 3250U प्रोसेसर एक नया प्रोसेसर निकल कर आता है। कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में, Ryzen 3 3250U प्रोसेसर में आपको 64-bit Gen Plus आर्किटेक्चर बेस्ड एक डुअल कोर सीपीयू देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें Intel i3 11th जनरेशन प्रोसेसर के बारे में, यहां पर आपको 64-bit Tiger Lake UP3 आर्किटेक्चर बेस्ड एक डुअल कोर सीपीयू देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें Intel i3 10th जनरेशन के बारे में, यहां पर आपको 64-bit Ice Lake आर्किटेक्चर बेस्ड एक डुअल कोर सीपीयू देखने को मिल जाता है। तो यहां पर देखें तो तीनों प्रोसेसर में आपको डुअल कोर सीपीयू देखने को मिल जाता है। थ्रेड्स के बारे में, तीनों प्रोसेसर में आपको 4 threads देखने को मिल जाता है। सो थ्रेड्स के मामले में तीनों प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। फैब्रिकेशन प्रोसेस के बारे में, Ryzen 3 3250U प्रोसेसर में आपको 14 नैनोमीटर की मिल जाएगी। अगर हम बात करें Intel i3 11th जनरेशन प्रोसेसर के बारे में, यहां पर आपको 10 नैनोमीटर की मिल जाएगी। अगर हम बात करें Intel i3 10th जनरेशन के बारे में, यहां पर आपको 10 नैनोमीटर की मिल जाएगी। तो यहां पर देखिए तो Ryzen 3 3250U प्रोसेसर में आपको सेमीकंडक्टर साइज बहुत बड़ा देखने को मिल जाता है, बट Intel i3 11th जनरेशन एंड Intel i3 10th जनरेशन पर आपको सेमीकंडक्टर साइज बहुत ही छोटा देखने को मिल जाता है। इसके कारण ये जो प्रोसेसर है एक बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर बन जाता है। सो फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में Intel i3 11th जनरेशन एंड Intel i3 10th जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर निकल कर आता है। सीपीयू स्पीड के बारे में, Ryzen 3 3250U प्रोसेसर में आपको बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 2.6 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 3.5 GHz की। अगर हम बात करें Intel i3 11th जनरेशन प्रोसेसर के बारे में, यहां पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 3 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 4.1 GHz की। अगर हम बात करें Intel i3 10th जनरेशन के बारे में, यहां पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 1.2 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 3.4 GHz की। तो यहां पर देखें तो Intel i3 11th जनरेशन पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा देखने को मिल जाता है। सो सीपीयू स्पीड के मामले में Intel i3 11th जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर निकल कर आता है। तो सीपीयू स्पीड के मामले में Intel i3 11th जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर निकल कर आता है। उसके बाद Ryzen 3 3250U प्रोसेसर, उसके बाद Intel i3 10th जनरेशन। कैश मेमोरी के बारे में, तो एक बात याद रखना, जितना ज्यादा कैश मेमोरी होगा वो उतना अच्छा प्रोसेसर होगा। पहले बात कर लेते हैं L1 कैश के बारे में, जो सबसे छोटा होता है एंड स्पीड के मामले में बहुत ही फास्ट होता है। Ryzen 3 3250U प्रोसेसर में आपको L1 कैश 192 KB की मिलेगी। अगर हम बात करें Intel i3 11th जनरेशन प्रोसेसर के बारे में, यहां पर भी आपको 192 KB की मिलेगी। अगर हम बात करें Intel i3 10th जनरेशन के बारे में, यहां पर आपको 120 KB की मिलेगी। तो यहां पर देखें तो Ryzen 3 3250U प्रोसेसर एंड Intel i3 11th जनरेशन प्रोसेसर में आपको L1 कैश बिगर देखने को मिल जाता है। सो L1 कैश के मामले में Intel i3 11th जनरेशन एंड Ryzen 3 3250U प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर निकल कर आता है। L2 कैश के बारे में, जो L1 कैश से बड़ा होता है एंड
स्पीड के मामले में L1 के से कम होता है। Ryzen 3 3250U प्रोसेसर में आपको L2 के 1 MB की मिल जाता है। अगर हम बात करें Intel i3 11th जनरेशन प्रोसेसर के बारे में, यहाँ पर आपको 2.5 MB की मिल जाता है। अगर हम बात करें Intel i3 10th जनरेशन के बारे में, यहाँ पर आपको 512 KB की मिल जाता है। तो यहाँ पर देखें तो Intel i3 11th जनरेशन प्रोसेसर में आपको मतलब बिगर L2 केस देखने को मिल जाता है। सो L2 केस के मामले में Intel i3 11th जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर निकल कर आता है। उसके बाद Ryzen 3 3250U प्रोसेसर, उसके बाद Intel i3 10th जनरेशन। तो L3 केस के बारे में, जो सबसे बड़ा होता है एंड स्पीड के मामले में L1 केस एंड L2 केस से कम होता है। Ryzen 3 3250U प्रोसेसर में आपको 4 MB मिल जाता है। अगर हम बात करें Intel i3 11th जनरेशन प्रोसेसर के बारे में, यहाँ पर आपको 6 MB मिल जाता है। अगर हम बात करें Intel i3 10th जनरेशन के बारे में, यहाँ पर आपको 4 MB मिल जाता है। तो यहाँ पर देखें तो L3 केस Intel i3 11th जनरेशन पे आपको बिगर देखने को मिल जाता है। सो L3 केस के मामले में Intel i3 11th जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर निकल कर आता है। GPU के बारे में, Ryzen 3 3250U प्रोसेसर में आपको AMD Radeon RX Vega 3 ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको मैक्सिमम GPU फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 1200 MHz की। अगर हम बात करें Intel i3 11th जनरेशन प्रोसेसर के बारे में, यहाँ पर आपको Intel USD ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको मैक्सिमम GPU फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 1250 MHz की। अगर हम बात करें Intel i3 10th जनरेशन के बारे में, यहाँ पर आपको Intel USD G1 ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको मैक्सिमम GPU फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 900 MHz की। तो यहाँ पर देखें तो Intel i3 11th जनरेशन प्रोसेसर में आपको मतलब बेहतर GPU देखने को मिल जाता है। सो GPU के मामले में Intel i3 11th जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर निकल कर आता है। उसके बाद Ryzen 3 3250U प्रोसेसर। RAM के बारे में, Ryzen 3 3250U प्रोसेसर में आपको डुअल चैनल का DDR4 RAM देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको मैक्सिमम RAM सपोर्ट देखने को मिल जाता है 32 GB के, जहां पर RAM फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 2400 MHz की। अगर हम बात करें Intel i3 11th जनरेशन प्रोसेसर के बारे में, यहां पर आपको डुअल चैनल का LPDDR4X RAM का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको 64 GB का RAM का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जहां पर मैक्सिमम RAM फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 3733 MHz की। अगर हम बात करें Intel i3 10th जनरेशन के बारे में, यहां पर आपको डुअल चैनल का LPDDR4 RAM देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको 64 GB का RAM का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जहां पर मैक्सिमम RAM फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 3733 MHz की। अगर हम बात करें मैक्सिमम मेमोरी बैंडविड्थ स्पीड के बारे में, Ryzen 3 3250U प्रोसेसर में आपको 35.76 GB/s की मिल जाएगी। Intel i3 11th जनरेशन प्रोसेसर में कितना मिला है कहीं पर भी मेंशन नहीं हुआ है, बट Intel i3 10th जनरेशन पे आपको 58.3 GB/s की मिल जाएगी। तो यहां पर देखें तो Intel i3 11th जनरेशन प्रोसेसर पे आपको बेहतर RAM का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, ऑल्सो इसका RAM फ्रीक्वेंसी भी बहुत ही बेहतर देखने को मिल जाता है। सो RAM के मामले में Intel i3 11th जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर निकल कर आता है। TDP के बारे में, जो हम बोलते हैं थर्मल डिजाइन पावर के बारे में, Ryzen 3 3250U प्रोसेसर में आपको 15 W का मिल जाएगा, Intel i3 11th जनरेशन प्रोसेसर में आपको 20 W की मिल जाएगी एंड Intel i3 10th जनरेशन पे 15 W का मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखें तो Ryzen 3 3250U प्रोसेसर एंड Intel i3 10th जनरेशन पे आपको लो TDP देखने को मिल जाता है। सो TDP के मामले में Intel i3 10th जनरेशन एंड Ryzen 3 3250U प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर निकल कर आता है। CPU टेम्परेचर के बारे में, Ryzen 3 3250U प्रोसेसर में आपको मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिल जाता है 95°C की। अगर हम बात करें Intel i3 11th जनरेशन प्रोसेसर एंड Intel i3 10th जनरेशन प्रोसेसर के बारे में, यहाँ पर आपको मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिल जाता है 100°C की। तो इसका मतलब है कि Intel i3 11th जनरेशन एंड Intel i3 10th जनरेशन बहुत ही गर्मी जल सकता है। तो CPU टेम्परेचर के मामले में Intel i3 10th जनरेशन एंड Intel i3 11th जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर निकल कर आता है। तो PCI Express वर्जन के बारे में, Ryzen 3 3250U प्रोसेसर में आपको वर्जन 3.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें Intel i3 11th जनरेशन प्रोसेसर के बारे में, यहाँ पर आपको वर्जन 4.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें Intel i3 10th जनरेशन के बारे में, यहाँ पर आपको वर्जन 3.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो PCI Express वर्जन के मामले में Intel i3 11th जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर निकल कर आता है, क्योंकि यहाँ पर आपको लेटेस्ट जनरेशन का PCI Express का सपोर्ट देखने को मिल जा रहा है। ECC मेमोरी सपोर्ट के बारे में, जिसको हम बोलते हैं एरर करेक्टिंग कोड मेमोरी के बारे में, तीनों प्रोसेसर में आपको सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। तो अब जान लेते हैं तीनों प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में। पहले जान लेते हैं Cinebench R23 के बारे में। Ryzen 3 3250U प्रोसेसर में आपको सिंगल कोर में मिला है 831 एंड मल्टी कोर में 1971। अगर हम बात करें Intel i3 11th जनरेशन प्रोसेसर के बारे में, वहां पर आपको सिंगल कोर में मिला है 1358 एंड मल्टी कोर में 2504। अगर हम बात करें Intel i3 10th जनरेशन के बारे में, वहां पर आपको सिंगल कोर में मिला है 1097 एंड मल्टी कोर में 2344। उसके बाद कर लेते हैं पासमर CPU के बारे में। Ryzen 3 3250U प्रोसेसर को सिंगल कोर में मिला है 1830 एंड मल्टी कोर में
3978। अगर हम बात करें इंटेल i3 11th जनरेशन प्रोसेसर के बारे में, वहां पर आपको सिंगल कोर में मिला है 2689, मल्टी कोर में 6240। अगर हम बात करें इंटेल i3 10th जनरेशन के बारे में, यहां पर आपको सिंगल कोर में मिला है 2247 और मल्टी कोर में 5106। उसके बाद बात कर लेते हैं Geekbench 5 के बारे में। Ryzen 3 3250U प्रोसेसर को सिंगल कोर में मिला है 735 और मल्टी कोर में 1567। अगर हम बात करें Intel i3 11th जनरेशन प्रोसेसर के बारे में, यहां पर सिंगल कोर में मिला है 1232 और मल्टी कोर में 2522। अगर हम बात करें Intel i3 10th जनरेशन के बारे में, यहां पर आपको सिंगल कोर में मिला है 1028 और मल्टी कोर में 2202। के कारण एक बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर बन जाता है। उसके बाद इस प्रोसेसर में एक बेहतर जीपीयू देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें इंटेल i3 11th जनरेशन प्रोसेसर के बारे में, यहां पर आपको फास्टर सीपीयू देखने को मिल जाता है, फास्टर टर्बो क्लॉक स्पीड भी देखने को मिल जाता है, मतलब अच्छा सेमीकंडक्टर का साइज भी बहुत ही छोटा देखने को मिल जाता है। उसके बाद L2 केस बिगर देखने को मिल जाता है, L3 केस भी बिगर देखने को मिल जाता है, पावरफुल जीपीयू भी देखने को मिल जाता है, एक अच्छा रैम भी सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, लेटेस्ट पीसी एक्सप्रेस वर्जन का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, एंड बहुत ही अच्छा बेंचमार्क स्कोर्स भी देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें इंटेल i3 10th जनरेशन के बारे में, यहां पर आपको लो टीडीपी देखने को मिल जाता है। इसके कारण एक बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर बन जाता है। तो ये रहा तीनों प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। तो ओवरऑल यहां पर कंक्लूजन के बारे में बात करें तो तीनों प्रोसेसर अपने अपने जगह पर अच्छे हैं, बट अगर आपको 40,000 के अंदर एक अच्छा प्रोसेसर आपको लेना है तो आपको इंटेल i3 11th जनरेशन के साथ आप जरूर जाना, क्योंकि वहां पर आपको एक अच्छा मतलब सीपीयू भी देखने को मिल जाता है, एक नया प्रोसेसर भी देखने को मिल जाता है, वहां पर आपको एक मतलब जीपीयू भी अच्छा भी देखने को मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से यहां पर इंटेल i3 11th जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर निकल के आता है। सो इन तीनों प्रोसेसर के अंदर विनर निकल के आता है इंटेल i3 11th जनरेशन। आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। अगर आपको किसी के बारे में डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, या फिर भी मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको जरूर से रिप्लाई दे दूंगा। तो चलते हैं वीडियो कहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने से बगल में बेल आइकन है उसे जरूर दबा देना। तो चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।